हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 135 का पहला पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि अब उम्मीद है कि जल्दी जल्दी भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब महादेव जी उसी जगह पर आकर बैठे थे जब भाई एक बार नारद जी ने एक थोड़ी सी कोशिश की थी, और जब महादेव जी और सती जी मिले थे वहां पर भाई। तो बाकी आगे करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जटा ये आप, मुझे लगता है नंदी ने कोशिश शुरू की है के लिए। उसका मामा बनकर तो आ ही सकता। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मेरी प्रार्थना ना सुने, कहीं मेरी पुकार उन तक ना पहुंची हो। क्या कारण है ना, मुझे बताओ ना। तो भाई मचाई है यार, इन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता हो। किसी और की सहायता कैसे कर सकते हैं? मेरे महादेव ने माता सती के वियोग में अपने देवत्व को त्याग दिया है। संसार में कोई नहीं होगा जो सत्य के आत्मदाह और शिव के संताप से प्रभावित ना हो। मेरे महादेव का केवल एक ही संबंध है, जिससे वो बने हुए हैं, वो तुम हो सुकर्ण। तुम हो, तुम्हें इस मनुष्य जाति में केवल एक मात्र हो जिससे मेरे महादेव को पास दे है। हो सकता है तुम्हारे हृदय के बालपन और निर्मलता से मेरे महादेव पुनः सनातन रूप में आ जाए। सनातन रूप में आ जाए। विक्षिप्तता उनकी पीड़ा को देख रहा है।
की सती को पुनः जीवित होने भी और यहाँ के इस प्रेम धुन पे नृत्य करने के लिए विवश ना कर सके। ऐसी वीणा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। क्षिप्त अवस्था में रहे और पृथ्वी लोक पर हम असुरों का अधिपत्य अनंत काल तक बना रहे। शासन प्रजा के हृदय पर विजय प्राप्त करके किया जाता है तारकासन, ना कि उनको उनके अधिकारों और संस्कारों से वंचित कर। नहीं गुरुदेव, अधिकारों से वंचित तो हम असुर रहे और अब समय आ गया है उनकी भरपाई का। परंतु असुरराज, मुझे यह कैसे पता चलेगा कि पिंड किस स्थान पर है? पिंडों का सही स्थान तो शिव भक्त ही जानते हैं, और उन शिव भक्तों से उन स्थानों के बारे में पता लगाना तुम्हारे लिए सहज कार्य नहीं होगा। तुम्हें कोई ना कोई ठोस युक्ति सोचनी होगी। रूप बदलेगा। तुम्हें विश्वास है ना सुकर्णा, महादेव का दुख कम कर सकता है? परंतु महादेव अभी इतने क्रोधित है कि वो क्या कर बैठे हैं कोई नहीं जानता। मुझे भय है कहीं स्वामी सुकर्ण को कोई कष्ट न पहुंचाए। यदि जगत पिता के सुख कम करने हैं तो मुझे अपने 100 पुत्रों की आहुति भी देनी पड़े अभी मुझे दुख नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जो सारे संसार का कल्याण करते हैं, जो दयालु है, जो कृपालु है, जो अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगते, उन्होंने सदैव दिया ही है। आज उनको इस दुख से उभारना प्रत्येक भक्त का दायित्व है। यार हम मामला खराब। बोलो दधी जी, मैं तुमसे केवल इतना पूछ रहा हूँ कि सती के विभिन्न पिंड कहाँ कहाँ गिरे हैं। झूठ बोलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि ये मैं जानता हूँ तुम्हें
अब क्या है? बोलो। गलत जगह पंगा लिया है। महादेव को ढूंढकर वापस लाना अनिवार्य है। वही पृथ्वी को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। मुझे तो विश्वास हो गया है, ये मूर्ख राक्षस मुझे शिव को बुलाने का अवसर देने हेतु ही यहाँ आया है। क्या बात है भाई, माँ रशीद दीजी जी को पता चल गया है कि कुछ चीज़ों के बारे में। लेकिन ये कि अगर देखा जाए तो माँ देव जी यार वही अभी तक काफ़ी वो क्रोधित बहुत ज़्यादा हैं कि हम ये सोच रहे थे कि वो जस्ट बैठे हैं तो अब थोड़ा सा शांत चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उनका क्रोध वैसे का वैसे ही और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। लेकिन ये कि अब स्कंद के पास गए हैं अगर तो उनको साथ लेकर आए हैं नंदी जी, तो अब हो सकता है कि वो पास आए या कुछ चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो जाएं, तो हम ये सोच ही सकते हैं। लेकिन आगे जिस तरह नंदी जी के साथ हुआ था ना, जिस तरह दो दफा वो सामने आए थे, एक दफा तो उसको वो दूर फेंक दिया था और एक दफा ऐसे आगे से धक्का दे दिया था, तो यही सूरत हाल अभी हमें तो यही लग रही है। नहीं होगा, एक मतलब के महादेव जी एक बच्चों के साथ तो नहीं ना ऐसा होगा, वो नंदी जी के साथ तो कर लिया क्योंकि एक क्रोध में थे। लेकिन ये भाई वही जगह जहाँ पर महादेव जी ने एक संगीत गाया था और सती जी आई थी, तो महादेव जी भाई अभी एक मतलब के सती जी को याद करते हुए आए थे इधर उनको, और अभी भी वही मतलब के एक संगीत भी बजाया लेकिन सती जी नहीं आई, और इसका क्रोध अभी भी देखो महादेव जी के चेहरे पर मतलब के साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अब एक चीज़ें तो काफ़ी, अब मतलब के तारकासुर ने भी भेजा है कि उसको कि आप जाकर तलाश करें महादेव जी, वो एक सती जी के ढूंढ ना ले चीज़ें, तो इससे अब एक इन्होंने भी जोर लगाना है क्योंकि उनको तो अपनी पड़ी हुई है ना, अगर महादेव जी इस चीज़ में हो जाते हैं कामयाब तो उनका खात्मा महादेव जी करेंगे। लेकिन देखो भाई आप तो भाई उधर इधर पे माँ ऋषि दाची के पास आ गए, वो मतलब वो जो है राक्षस जो नया आया है, तो वो उसका मकसद तो यही है कि जो मतलब जो बिंद हैं वो उनको जो है ना वो अलग-अलग कर दिया जाए, या दूर दूर इतना दूर कर दिया जाए कि महादेव जी को पता ही ना चले, या वो इतनी जल्दी उनको इकट्ठे ना कर सकें, या जो भी उनको एक भय है। लेकिन आगे बंदे गलत से पंगा ले लिया जी को भी, मतलब कि अभी तक नहीं पता महादेव जी किधर हैं और कि क्या चीजें चल रही हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब क्या चीज़ें होती है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।